वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे पीएम की स्पीच पे, वो सारा। मुझे ये बताइएगा मेरे साहब कि पाकिस्तान को बने हुए 70 साल हो चुके हैं, अभी तक हमारे इदारों का रोल डिसाइड नहीं हुआ। ऑलवेज अदलिया टारगेट पे है, नैब टारगेट पे है, जुडिशरी टारगेट पे है, ऐसा क्यों है पाकिस्तान में? अभी तक हम 70 सालों में हमें पता नहीं चला कि इंस्टीट्यूशंस के रोल क्या, उनकी डोमेन क्या, एरिया ऑफ वर्क क्या है। पाकिस्तान बनाया किसने था? कायदे आजम ने बनाया था। तो क्या ये पाकिस्तान, ये समझते हैं ये कायदे आजम जो हमें पाकिस्तान देकर गए थे तो हम उसी पाकिस्तान को लेकर चल रहे हैं? नहीं, ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये उनको समझ ही नहीं रहे ना। ये शहबाज शरीफ साहब उस दिन खुद एक जगह पर कह रहे थे कि मैं, मुझे अफसोस है कि कायदे आजम जो आपने पाकिस्तान दिया हम उसकी हिफाजत नहीं कर सके, मुझे अफसोस है कि आपने ये किया हम नहीं कर सके, मुझे अफसोस है कि आपने हम नहीं कर सके। भाई 30 साल हो गए हैं आपको हुकूमत करते, 70 साल में से 30 साल तो आपके पास है ना, और आखिरी 30 साल आपके पास है, आपने क्या किया मुझे बताएं? स्कूल आप नहीं ठीक कर सके, कॉलेज आप नहीं स्कूल का ठीक कर सके, तालीम आप नहीं ठीक कर सके, सेहत, आप सेहत के लिए जो जितने निजाम बनाए हैं वो आप नहीं ठीक कर सके, जॉब लोगों को मिल नहीं रही, बेरोजगारी का शिकार इस वक्त हो चुके हैं। यानी कि पाकिस्तान के लिए तो उन्होंने मजाक बना दिया पाकिस्तान को पकड़ के। जो कायदे आजम ने हमें पाकिस्तान दिया था वो पाकिस्तान की तो ये हिफाजत कर ही नहीं पा रहे, ठीक है ना। उल्टा बल्कि अदालतों को मजाक इन्होंने बनाया हुआ, अदारों को मजाक बनाया हुआ, नैब को मजाक बना दिया है। यानी कि उल्टे उनके ऊपर तनकीद करने के अलावा इनके पास कोई हल ही नहीं है, बस करप्शन करते रहे और करप्शन चलती रहे और इसी को आगे की आगे बढ़ाते रहे, ये इसको कहते हैं ये पाकिस्तान। तो देखिए, मैंने जो थोड़ी देर पहले जो बात की थी ना कि वोटर को अपना रोल समझना पड़ेगा। हाँ, कि मैंने जब वोट डालना है तो मैंने किस तरह के नुमाइंदे को वोट देना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब वोट हम डालते हैं तो हम उन्हीं लोगों को देते हैं कि जिनको ना तो इदारों का पता होता है कि इदारे चलने कैसे, ना तो उनको पता होता है कि हमने अपना काम क्या करना है, उनको ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होती है, इदारों की पता होता है कि इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो अल्टीमेटली हम जाके एक क्लैश की सूरत पैदा करते हैं या इदारों को जो है वो कंट्रोवर्शियल बनाते हैं। तो इसमें जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि हमें जब एक तो वोटर जब अपना वोट डाले तो ऐसे लोगों को साथ लेके चले कि जो लोग बेहतर इदारे चला सके। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा एक मैं समझता हूं पाकिस्तान की एक बदकिस्मती के साथ, बहुत सारी और जगहों पे भी है लेकिन स्पेशली पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो हमारे इदारे जो है ना उनको डीपोलिटिसाइज करने की जरूरत है। Exactly. ये बड़ा जरूरी है क्योंकि हर इदारा आपका पॉलिटिसाइज है, हर अपॉइंटमेंट आपकी पॉलिटिसाइज है। तो जो पार्टी आती है सबसे पहले काम ये करते हैं, हमारी हुकूमतों का, हमारी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स का ये स्टाइल है, जब आपकी हुकूमत बदलनी है सबसे पहले आपने सारी की सारी इंतजामिया चेंज करनी है, आके अपने बंदे बिठा देने हैं, इंतजामिया चेंज करनी है, अपने बंदे बिठा देने हैं। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो बंदा आपने लगाया हुआ है वो आपके खिलाफ नहीं, 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 जिनके बारे में कहा जाता है कि ये पॉलिटिकल पोस्ट्स हैं। अब आप बताएं, ये पॉलिटिकल मजर अब्बास साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, सीनियर एनालिस्ट है ये। अस्सलाम वालेकुम मजर साहब। जी वालेकुम सलाम। कल प्राइम मिनिस्टर ने जो स्पीच की उसमें उन्होंने कहा कि अदलिया के किरदार को जेरे बहस लाया जाए पार्लियामेंट हाउस में, जी ऐसा होना चाहिए आपके ख्याल में? होना चाहिए तो बहुत सी नहीं, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं, वो लॉ के मुताबिक नहीं हो सकता। जजेस का कंडक्ट जो है आप डिस्कस नहीं कर सकते। एग्जैक्टली लेजिस्लेशन वगैरह हो सकती है लेकिन जाहिर है वो जो भी आप कानून साजी करेंगे वो जुडिशियल रिव्यू में जा सकती है अगर वो आइन से मुतसादिम हो। लेकिन ये कि इस चीज को जरूर देखना चाहिए कि ये जो तनाव है ये ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। तनाव अदलिया और अगर पार्लियामेंट के दरमियान बढ़ेगा तनाव तो वो किसी भी तरीके से सिस्टम के लिए बेहतर नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये बात की है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है लेकिन पार्लियामेंट से ज्यादा सुप्रीम जो है वो आईन है और आईन की तशरीह का इख्तियार जो है वो सुप्रीम कोर्ट को है। तो ये बात यहाँ तक तो उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और जाहिर आईन की तशरीह जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही करती है, आला अदलिया है वो करती है। जो जो कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है और जो इससे पहले भी बनता रहा है वो बुनियादी तौर पे इस चीज से है कि अदलिया बहुत से सियासी मामलात में जो है टेकअप करती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं और होती रही हैं। माजी में भी हमने देखा है पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट में भी उनको भी अदलिया से शिकायत रही, मौजूदा हुकूमत को भी अदलिया से शिकायत रही है। तो इस चीज़ों को जरूर मेरा ख्याल है गौर करना चाहिए। असल में जो तनाव बनता है वो इन चीज़ों से बना है, खास तौर पर पिछले एक डेढ़ साल में कि बाद फैसलों के दौरान रिमार्क्स ऐसे आए और फिर कुछ इस तरह की ऑब्जर्वेशंस आई कि जो बहुत ज्यादा जो नवाज शरीफ साहब के लिए ह्यूमिलिएटिंग जो है वो उनके उन्होंने तसव्वुर किया, जिस तरह गॉडफादर है, सिसिलियन माफिया है, चोर या डाकू वाली ये जो रिमार्क्स। मदर साहब बताइएगा कि यही जो नहली का वाकया है वो वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ, साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ भी हुआ। उस वक्त तो हमने अदलिया को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं किया लेकिन पिछले डेढ़ साल में
हमने बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं बना दिया अदलिया और फौज को? दोनों चीजें होती हैं। देखिए जो यूसुफ रजा गिलानी साहब का मुकदमा था वो तो एक तो मुकदमा बहुत मुख्तलिफ था, और असल में यूसुफ रजा गिलानी की लोग अक्सर मिसाल देते हैं, लेकिन अगर उस वक्त अदलिया से फैसला आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ आता तो गालबन पीपल्स पार्टी का भी रद्दअमल वैसा ही होता जैसा कि इस वक्त जो है नवाज शरीफ साहब का है। यूसुफ रजा गिलानी क्योंकि जरदारी साहब के नॉमिनी थे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नतीजे में, हालांकि वजीर आजम को सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नतीजे में डिसक्वालीफाई करना भी मेरे ख्याल में ज्यादती थी, लेकिन ये केस जरा मुख्तलिफ है। इस केस को उस केस से बिल्कुल हम नहीं जो है मिला सकते, लेकिन चूंकि अब अदलिया और पार्लियामेंट के दरमियान एक तनाव पैदा होता नजर आ रहा है, लिहाजा पार्लियामेंट की भी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, बल्कि ज्यादा जिम्मेदारी पार्लियामेंट की है कि इस तनाव को ना बढ़ने दें, क्योंकि अगर ये तनाव बढ़ा तो उसका नुकसान जो है वो सिर्फ सिस्टम को पहुंचेगा। मतलब साहब ये बताइएगा कि आज से अगर 10 साल पुरानी बात की जाए तो एक वक्त था जब लॉन्ग मार्च की गई थी अदलिया की बहाली और जमहूरियत के लिए भी, अब वो दोनों इदारे जो है पार्लियामेंट और अदलिया वो आपस में टकरा रहे हैं, तो ये कैसी सिचुएशन अब डेवलप होगी? पहले तो चले एक डिक्टेटरशिप थी लेकिन अब जमहूरी हुकूमत में इस तरह सिचुएशन डेवलप होना शुरू हो गई है। देखिए टकराव के नतीजे में तो सिर्फ नुकसान होता है और उस नुकसान में दोनों ही का नुकसान होगा, और उसमें ज्यादा नुकसान जो है वो सियासतदानों का होगा और पार्लियामेंट का नुकसान होगा। लिहाजा ये सोचने का काम जो है बुनियादी तौर पे सियासतदानों का है और पार्लियामेंट को है कि कोई ऐसी सिचुएशन ना हो कि जिसमें ये सिस्टम ही लिपट जाए। बदर साहब उसमें असल में ये है कि अब्बासी साहब का यही कहना था कि जितने पार्लियामेंट हाउस के अंदर कानून हम बनाना चाह रहे हैं कि पार्लियामेंट हाउस के जितने मुस्तरद जो लोग आ रहे हैं उनको डिस्कस किया जा रहा है ना उसके अंदर अदालतों के अंदर, यानी कि जिनको नाअहल किया जाता है उनको चोर डाकू ना कहा जाए। मेरा जो ख्याल है, मेरे ख्याल में उनका यही कहने का मकसद था कि जिन लोगों को अगर वो उनके ऊपर नाअहल वो साबित हो चुके हैं उनको चोर डाकू ना कहा जाए, कुछ ऐसा कानून किया जाए कि जिसके अंदर चोर डाकू कहने से बचाया जाए और जो आइन यहां पर पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो कानून बनाया जाए कि उसको चोर डाकू ना कहा जाए वो अदालत के अंदर लागू किया जाए। मेरे ख्याल कहने का यह था कि वो यही चाहते हैं कि अदालतों के अंदर ऐसा कानून उन्होंने बनाकर भेजे कि जहां पर जो पार्लियामेंट का बंदा हो उसको चोर डाकू ना कहा जाए। देखिए वो तो एक खास टर्म उन्होंने यूज कर ली है क्योंकि वो टर्म यूज हो गई और वो पता नहीं चीफ जस्टिस ने किस लिए कही थी, वो बराह रात इस तरह नहीं थी, उन्होंने एक सवाल किया था जी उसको उसी तरह लेना चाहिए था। लेकिन मेरा ख्याल है कि खुद जिस तरह हम पहले कहा कि जो एक्सप्रेशन जो होते हैं वो बाद अकात जो है वो फैसलों से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि फैसले सख्त होने चाहिए, फैसले कानून के मुताबिक होने चाहिए, उसमें आपको किसी किस्म के एक्सप्रेशन डालने की जरूरत नहीं होती। जब एक्सप्रेशन डालते हैं आप उसके अंदर तो वो अननेसेसरी एक तनाजे की शक्ल इख्तियार कर लेती है जो अभी हमें नजर आती है। बदर साहब एक मेरा आखिरी सवाल मुझे बताइएगा कि बहसियत एक एक्टिविस्ट के जो हम जमहूरियत के लिए भी काम करते हैं हम अदलिया के लिए भी काम करते हैं, तो अगर खुदा ना खास्ता कोई आने वाले दिनों में इस तरह का टकराव पैदा होता है जिस तरह कल स्पीच में भी देखा हमने और वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि कोई जंग इस तरह के ऐलान जंग भी हो सकता है अगर नवाशी साहब के खिलाफ दोबारा फैसला आता है तो फिर हम अपने आप को किस तरफ देखेंगे कि क्या हम किस तरफ जा रहे हैं बहसियत कौम इस सारे प्रोसेस में? देखिए अगर दो मजबूत इदारे रियासत के जो है जिनको हम फोर पिलर ऑफ द स्टेट कहते हैं उसमें से दो पिलर ऑफ द स्टेट आपस में लड़ जाएं तो आपका काम सिर्फ बुनियादी तौर पे उन पिलर्स को बचाना होता है और हमारे लिए पार्लियामेंट भी उतनी अहम है जितनी अदलिया अहम है, क्योंकि हमें हमारे लिए मुश्किल सिचुएशन है। कोई गैर आइनी इकदाम होता है तो वो एक अलग बात है, आप उसके लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई आइनी इकदाम होता है तो आपने देखना यह है कि आइन की बालादस्ती किस चीज में ज्यादा है, और इसलिए कोई भी एक रियासत का एक सतून जो है उसको अगर नुकसान पहुंचता है तो फिर जमहूरियत को नुकसान पहुंचता है। बहुत शुक्रिया मदर साहब। अच्छा अगर हम गौर करें ना जो अब बात इन्होंने किया है प्राइम मिनिस्टर ने इतने देर के बाद 28 जुलाई के बाद से, ये वही बात है जो कि हमारे नाअहिल वजीर आजम नवाज शरीफ काफी अरसे से करते आ रहे हैं कि अगर ये हो गया तो क्या मेरा साथ दोगे, मुल्क को संगीन सूरत हाल का सामना है, मुल्क दो लख्त हो जाएगा, ये भी उन्होंने कहा था। ठीक है तो ये वही बयानिया है जिसको अब इन्होंने पार्लियामेंट हाउस में बयान किया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमें ये देखना होगा कि आईनी तौर पर कौन जो है वो किसकी तस्दीक हो रही है सारे प्रोसेस में,
तो ये बड़ा, क्योंकि ऐसे दो पिलर्स हैं स्टेट के ना, बेसिकली स्टेट के जो पिलर्स हैं उनमें से दो पिलर्स आपस में टकराना शुरू हो गए हैं। तो पहले तो हम जो भी बात करते थे या जो भी इस तरह की अगर कोई कैंपेन चलती थी तो बेसिकली डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी के बीच में चलती थी, लेकिन अब एक अजीब सी सिचुएशन डेवलप होना शुरू हो गई है कि दो जो पिलर्स हैं स्टेट के वो आपस में टकराना शुरू हो गए, तो ये बड़ा मुश्किल किस्म का वक्त हो जाएगा पूरी कॉम के लिए। पार्लियामेंट में मौजूद लोग हैं वो भी एक फर्द वाहिद के लिए जंग लड़ रहे हैं ना, प्रॉब्लम उन लोगों के लिए कि जो लोग जमहूरियत को भी सपोर्ट करते हैं और अदलिया की बालादस्ती पे भी जो है वो यकीन रखते हैं, वो बेचारे बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बहसियत कौम हमें इसमें शायद बड़ा एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी पड़ेगी और दोनों इदारों को बचाना है। मुझे तो लगता है कि डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप की जो डेफिनेशन है ना, वही मुझे तो यहाँ पे बहुत डिफरेंट लग रही है। अगर डेमोक्रेसी है तो उनकी पार्टी तो है, नहीं उनकी पार्टी तो है लेकिन देखिए क्योंकि एक अपने उस पार्टी के, असल में मैं बता, नून लीग का मुझे लगता है कि जो असल उनको टेंशन है वो ये है कि अब फैसला आने वाला है। नहीं फैसला तो आने वाला है, लेकिन वो तो चाहते हैं कि फैसला जल्दी आ जाए। एक्चुअली जो सिचुएशन मैं जिस सिचुएशन का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो ये है कि पहले तो देखे आपके पिलर्स अपनी जगह पे खड़े होते थे, लेकिन exactly. थर्ड पार्टी आके आपके इक्तदार पे वो आ जाती थी जिसकी वजह से आप कहते थे कि नहीं आज जमहूरियत होनी चाहिए सर। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि जिसमें दो पिलर्स आपके, अगर एक पिलर गिर जाता है घर का तो उस घर को आप घर को तो बचा नहीं सकते, फिर कोशिश करते हैं हल्का सा बचा लेते हैं, लेकिन जब दो गिर जाते हैं तो फिर आप क्या करते हैं। तो खुदा ना खास्ता कोई इस तरह की सिचुएशन आई विश के डेवलप ना हो, लेकिन दूसरी साइड पे इन सारे हमारी बहसियत कौम हमने इन दोनों पिलर्स को हमने बचाना है और ये बड़ा जरूरी है इस मुल्क को जो है वो फर्दर चलाने के लिए और सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए, क्योंकि आपका अगर खुदा ना खास्ता ये दो पिलर आपस में टकरा गए तो एक बहुत बड़ा खतरनाक सूरत है। असल में मजहर साहब जो आपको पता है वो भी कितने सीनियर लोग हैं, वो सीनियर तजुर्बेकार हैं, उसके बाद फिर आपका आरफ चौधरी साहब कानूनदान है, वो इस्लामाबाद बार के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्होंने यही बताया है कि आप पार्लियामेंट हाउस के अंदर अदालत को जस्टिस को मरियम भी बातें कर रही है जाकर जलसे जुलूसों में तोहीन अदालत करने की कोशिश कर रही है, उसके बाद नवाज शरीफ साहब भी यही बात कर रहे हैं, उसके बाद जो है आपका जो रह रू गई है बात, वो हमारे जो वजीर आजम साहब जो अपने आप को नहीं समझते वो भी आकर यहाँ पर बातें करनी शुरू कर दी है। अब तो मेरा ख्याल है कि इनके ऊपर मेरे ख्याल में जो है बल्कि ये लाहौर हाई कोर्ट के अंदर रिट दायर कर भी दी गई है कि पैमरा को कहा जाए इनको रोका जाए, तो इन्हें अदालत की जो बातें कर रहे हैं ना ये मीडिया के ऊपर जो बातें आ रही हैं इनको रोकने के लिए उन्होंने इसके ऊपर रिट दायर कर दी है। 23 तारीख की पाबंदी ना लग जाए, स्पीचेस के ऊपर पाबंदी लग जाएगी, बिल्कुल पाबंदी लगेगी। मसला ये है कि वो तो कहते हैं बैल मुझे मार, वो तो इस तरह की बातें करते हैं कि फौरी तौर पर उनको पकड़ के अंदर किया जाए, सियासी शहीद बनने की कोशिश की जा रही है ना, लेकिन ये कि इसके लिए कानून बने हुए जाहिर है उन्होंने दायर कर दी है एप्लीकेशन, मेरा ख्याल है कल या परसों उसकी तारीख आएगी, उसके अंदर मेरा ख्याल है कि जानबूझकर इन्होंने अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली है कि जो आप अपनी बात आवाम के सामने आगे करना चाहते हैं वो नहीं आप कर सकेंगे, क्योंकि बार-बार इन्होंने वही गलत बात करनी है तो रोक दिया जाएगा। सॉरी टू इंटरप्ट, एक्चुअली एक वीडियो है, हम क्लिप है हमारे पास, वो हम दिखाना चाहते हैं। अच्छा इस क्लिप पे भी हमने बात करनी है कि कुछ मुतासरीन हैं जिनको प्लॉट्स इन्होंने पैसे दिए हुए हैं और बहुत अक्सा हो गया है और अभी तक उनको प्लॉट्स नहीं मिल रहे हैं, और ये बहुत एक इम्पोर्टेंट, एक इतने एक वेल रिप्यूटेड फर्म है और उसने इस तरह के काम किए हैं और आवाम इससे बहुत मुतासर हो रही है, प्लॉट लेना आसान बात नहीं है। तो ये है कि मैं आपको इंटरप्ट करूंगा कि ये वेल रिप्यूटेड फर्म ने ये काम नहीं किए, ये पीछे बेसिकली मलिक रियाज साहब ने और बैरिया टाउन ने किए। तो मलिक रियाज इज अ वेल रिप्यूटेड फर्म बाय द वे, वेल रिप्यूटेड नहीं है बाय द वे, सिर्फ अगर आप उनको ये कहें कि अब उनके पास पैसा बहुत आ गया तो वेल रिप्यूटेड है, उसमें अल्टीमेटली वो पैसा मेरा बेसिकली डीएचए वाली जो बेसिकली जमीन है ये बैरिया टाउन की थी, यूज किया गया है डीएचए का नाम यूज किया गया है, जिसमें आप दूसरी साइड में देखें तो अगेन ये भी हम अपनी फौज को जो है ना उस पर क्वेश्चन मार्क लेके आ रहे हैं मलिक साहब की इस हरकत की वजह से। कि देखें जब आप डीएचए का नाम यूज करके गरीब लोगों को इंस्टॉलमेंट्स पे प्लॉट्स दे रहे हैं, नाम तो उन्होंने वेल और कई सालों से वहां पे अभी भी आप जाएं तो जंगल का जंगल पड़ा और किसी को नहीं पता प्लॉट कहां है। सबसे मेन इशू ये है कि वहां पे इतनी जमीन नहीं थी और फाइलें इन्होंने ज्यादा बेच दी।
फिर जब लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, आप देखें आपने वीडियो में भी देखा कि आज से कुछ 4 दिन पहले लाहौर में प्रॉपर्टी एक्सपो हुआ तो वहां पे लोग इकट्ठे हुए, लोगों ने एहतियात करना शुरू कर दिया, नारेबाजी शुरू कर दी। और अब कुछ बैनर्स भी हमने देखे हैं इस्लामाबाद में भी और सोशल मीडिया पे भी चल रहे हैं कि लोग अब प्रॉपर एक प्रोटेस्ट प्लान कर रहे हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और आर्मी चीफ से ये अपील कर रहे हैं कि खुदा रहा और तो कोई कोई ताकत जो है ना पार्लियामेंटेरियन ना कोई और जो है वो बैरिया टाउन के खिलाफ एक्शन लेता है, लेकिन शायद चीफ जस्टिस साहब जो है वो यकीनन इस दलेरी का मुजाहरा करेंगे। मसला वो वक्त हमारा मुख्तसर है, क्या कहेंगे इसी तरह बैरिया टाउन पे भी लेंगे और आर्मी चीफ को जो है वो भी बड़ा एक प्रोएक्टिव इस पर रोल प्ले करना था। ये पिछले दौर में राहील शरीफ साहब ने इस पे एक्शन लिया था जी, जी, और जी। कुछ लोगों को इन्होंने एडजस्ट कर दिया था फेज 8 में गालिबन या कुछ और सोसाइटीज में, लेकिन आर्मी चीफ चेंज हो गए तो उन्होंने कहा कि आप किसने पूछना है, तो बाजवा साहब आपको भी शायद इस पे थोड़ा सा एक्शन लेने की जरूरत है। उसमें पता मसला पता क्या है, 8-10 साल हो गए देखिए ये गुर्बत है लोगों के अंदर, पहले इतनी गुर्बत फैली हुई है, बेरोजगारी पहले फैली हुई है, कुछ लोगों ने बेचारों ने अपनी बच्चियों के लिए, मुझे यकीन करेंगे मेरे पास एक बंदा आया उसने मुझे कहा कि मैंने अपनी बच्ची की शादी करनी थी, प्रॉपर्टी डीलर ने मुझे कहा कि आप 4 लाख रुपए लगा लें और आपका 8 लाख हो जाएगा। 8 से 10 साल हो गए हैं, वो जो 8 मरले का प्लॉट था अभी 8 लाख रुपए का भी नहीं है, 2 लाख रुपए गालबन लॉस चल रहा है, जो 5 मरले का प्लॉट है वो 6 लाख रुपए का अभी 4 लाख रुपए के ऊपर इसका रेट चल रहा है। देखिए जमीन नहीं है, कब्जा नहीं है, बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया है ना इसके ऊपर, तो बहुत मेरा ख्याल है मेरे ख्याल में कम से कम 30 से 40 हजार लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए, पाकिस्तान को भी नोटिस लेना चाहिए, नोटिस लेना चाहिए फौरी तौर पर लेना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि आगे इलेक्शन का दौर है फिर एक नई हसल शुरू हो जाएगी, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस इशू पे जो है वो फौरी इसके अंदर आप डीएचए को इन्वॉल्व किया, ये तो डीएचए की मैं कहता हूं जिम्मेदारी डीएचए की, आप बैरिया टाउन को रहने दे, बैरिया टाउन की जमीन थी उसने इन्वॉल्व किया, उसके कंधे पे रखे बंदूक चलाई जो मर्जी किया, लेकिन ये डीएचए की जिम्मेदारी है, डीएचए वालों को इसकी जिम्मेदारी अपनी पूरी करनी चाहिए, जिन लोगों के पैसे हैं या तो उनको पैसे वापस करें या उनको प्लॉट बना के दें या उनको डेवलपमेंट करके दें, जो मर्जी करें उनकी अमाउंट उनको वापस होनी चाहिए, बहुत बड़ी ज्यादती है, जिस जगह पे भी जाते हैं उनकी बेइज्जती हो जाए, वो डीएचए का बेसिकली नाम ले रहे हैं ना, गुडविल के भी अगेंस्ट, डिफेंस का नाम लिया जा रहा है, डिफेंस भी हमें लिया, आप कौन सी गुडविल कहते हैं, लोगों के साथ ज्यादतियां करके आप जमीनों पे कब्जे करेंगे, लैंड माफिया है आप, और उसके बाद आप जनाब कह रहे हैं गुडविल आपकी बन गई, ये कौन सी गुडविल है जिसमें आपने अरबों रुपया लोगों से इकट्ठा किया, वो आपने उठा गया इधर उधर खर्च किया, इन्वेस्ट किया आपने उससे कई अरब और बनाए, और आज आप जनाब फिर बाकी लोगों को जनाब अभी तक, और बाकी क्या है शायद उसमें से मेरे ख्याल से कोई गालिबन 5% लोग भी नहीं होंगे जिनको अभी तक इन्होंने शिफ्ट किया है, वो भी राहील शरीफ साहब ने जब इस पे नोटिस लिया था उस वक्त, तो इस वक्त मैं समझता हूं कि बड़ा एक जरूरी है जिस तरह बाकी इश्यूज पे चीफ जस्टिस साहब नोटिस ले रहे हैं, नैब को भी इस पे नोटिस लेना चाहिए और ये केसेस खुलने चाहिए, इसको सीरियसली सॉल्व करने की जरूरत है, लोगों को सॉल्व करने की जरूरत है बिल्कुल, उनके या अमाउंट वापस करने या प्लॉट, जितने भी लोगों के प्लॉट्स है ना वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, प्रॉब्लम ये है ना इसलिए तो कोई नोटिस नहीं आ रहा, 6-7 लाख का प्लॉट था, हर बंदे ने कोशिश की यार चलो 50,000 रुपया 3 महीने बाद देंगे हम प्लॉट ले लेंगे, और वो उन्हें क्या पता था कि ये जो बेचारों का, इसीलिए कोई नोटिस नहीं ले रहा ना कि सारे मिडिल क्लास लोग हैं, कोई छोटा बड़ा बंदा लॉस नोटिस लेते हैं, प्रॉब्लम अभी तक टोटल लॉस है, इस वक्त टोटल बेचारों को लॉस चल रहा है ना, प्लॉट वक्त हमारा बस खत्म हो चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, पार्लियामेंट हो या फिर जुडिशरी ये हमारे स्टेट की बहुत इंपॉर्टेंट 2 पिलर्स हैं और किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके पिलर्स का आपस में तनाव ना हो, आपस में टकराव ना हो, तभी एक माशरा तरक्की कर सकता है, तभी एक मुल्क तरक्की कर सकता है। इस थॉट के साथ अपना बहुत ध्यान रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।